सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ कमियां भी है तो उन्हें छुपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक भगवान की। समय सत्ता संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देती, परंतु स्वभाव समझदारी सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देती हैं। आज का पंचांग 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र रात्रि 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:13 से 4:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी धनु राशि पर ही रहेंगी। वृश्चिक राशि 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपनी जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है, हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। आज छात्रों के लिए एक उत्साही और महत्वपूर्ण दिन हो सकता है जो उन्हें उनके शिक्षा क्षेत्र में उच्चताओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस दिन का सही उपयोग करके छात्र अपनी पढ़ाई में मेहनत कर सकते हैं, नए विषयों की खोज कर सकते हैं और अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। आज के दिन छात्रों के लिए एक अध्ययन क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए एक शानदार समय हो सकता है। वे नए विषयों और कौशलों का पता लगा सकते हैं जो उनकी रुचि क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और नए करियर के दरवाजे खोल सकते हैं। छात्रों को आज अपने कौशलों में सुधार करने और नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह उन्हें नए और अधिगमनों में सुधार करने में मदद कर सकता है जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आज का दिन छात्रों के लिए संगठन और समृद्धि के क्षेत्र में सक्रिय होने का समय हो सकता है। उन्हें अपने छोटे मोटे परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए जो उन्हें टीम काम में भी आनंद दे सकता है। छात्रों को आज अपने आत्म मूल्यांकन करने के लिए समय निकालना चाहिए और समर्थन स्वीकार करना चाहिए। वे अपने क्षमताओं को समझ सकते हैं और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सच्चे और सकारात्मक योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। सावधानियां, समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, कड़ी नजर रखें। फाइनेंस संबंधित कार्य सावधानी से करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जो आसपास ऐसे घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। अब आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा। सक्रिय रहें और निर्णय लें। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है, तो पहला कदम उठाएं और निर्णय लें। एक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपनी धन का ध्यान रखें और सावधान रहें। बात करते हैं सेहत की। देखा जाए तो आपको अपनी दिमाग को लचीली स्थिति में रखना चाहिए, लेकिन आज आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे।
और ना तो अपने मन की सुनेंगे और ना ही किसी की। ऑफिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दूसरे लोगों की भी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान राम मंदिर जाएं और अच्छे से पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।